शीला फोम, कल के सत्र में पहली बात तो मैं बता दूं कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना मेरे वरुण, वो टेक्निकली स्कैन तो होती हैं, जब तक उनमें टेक्निकल कंफर्मेशन नहीं आता तब तक मैं अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता हूं। शीला फोम सभी जानते हैं कि स्टॉक बहुत बढ़िया है, जिस प्रकार के कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, होल्ड है अगर आप देखें तो, दो जो बैटरीज बनाती है कंपनी और दो बढ़िया ब्रांड्स हैं इनके पास, स्लीपवेल और फेदर फोम, ये दोनों इनकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, सभी समझ जाते हैं कि इनकी प्रेजेंस कितनी बढ़िया, हम एडवर्टाइजमेंट भी इनका देखते हैं, बिक्री भी जबरदस्त होती है इनकी, तो क्योंकि पिछले साल 3 से 5 साल का अगर आप सेल्स और पैट का कैडर देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और इनफैक्ट आगे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर जो एक ब्रेकआउट को इंडिकेट कर रहा है, कल के सत्र में बड़ा मूव आया था डेली चार्ज पर भी और वीकली चार्ज पर भी, तो ऐसे में आप यहाँ पर 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं, 3,000 रुपए का लक्ष्य है, हालांकि 3 महीने से पहले आपको ये तेजी देखने को मिलेगी। शीला फोम फंडामेंटल पे क्या मेरी तरफ से।